यकीन मानिए, योग करके और जब आपका कोई भी आसन सही तरीके से हो जाए, एक जो आंतरिक खुशी मिलती है ना, समझ आ जाता है कि क्यों कहते हैं लोग कि योग कीजिए, उसे आप बेहतर महसूस करेंगे। बेहतर महसूस तो हमारे रुद्राक्ष और प्रीशा भी करना चाहते हैं। वो क्या है कि सीरियल में आ गया है लीप और उसके बाद वो जुदा हो गए, लेकिन किस्मत में मिलना लिखा है, तो भाई किस्मत की होनी कौन टाल सकता है। रुद्र और प्रीशा की राहें अब अलग अलग हो चुकी हैं। इस सीरियल में लीप हो गया है और लीप के बाद इनके रास्ते अलग अलग हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जिसका दिल से दिल तक का कनेक्शन होता है, वो कभी न कभी टकरा ही जाता है। तो टकराए रुद्र और प्रीशा भी, और जब ये टकराए तो पुरानी यादें भी ताजा हो गई इन दोनों के जहन में। क्या दिन थे वो जब एक दूसरे के साथ ये वक्त गुजारा करते थे। ये छोटी छोटी बातों में ये खुशियां ढूंढ लिया करते थे। उस वक्त भी प्यार था और आज भी प्यार है, लेकिन किस्मत ने सारांश को इन दोनों से दूर कर दिया, जिसकी वजह से इनका दिल टूट गया है। हम गाड़ी से जा रहे थे, इतने में मुझे यादें आती हैं। मैं इतने टाइम बाद दिल्ली आई हूँ, मेरी सारी यादें, रुद्र की यादें और सारांश की यादें, सब दिल्ली में। तो मैं वही सब यादें वापस, वही सब बातें याद कर रही हूँ कि क्या क्या हमने किया वहाँ पे। तो वही सब मस्ती हो रही है, वही सब याद कर रही हूँ कि क्या क्या मस्ती हम करते थे। हाँ, लीप के बाद सब कुछ बदल गया है, कुछ वापस वैसा सेम रहा ही नहीं है। रुद्र प्रीशा, जिनकी जो सोचते थे कि हम कभी अलग नहीं होंगे, उनकी कहानी एक तरह से प्रीशा ने बोली थी कि अब सारांश नहीं, सारांश था जो हमें जैसे जोड़ा हुआ था, लेकिन अब सारांश नहीं है, तो फिर रुद्र प्रीशा की कहानी भी नहीं। रुद्र और प्रीशा की जो राहें हैं वो अलग हो गई हैं थोड़ी सी, और वो कहीं अपनी जगह खुश है और रुद्राक्ष अपनी जगह है, बट दोनों में कहीं ना कहीं वो अभी भी एक दूसरे के लिए वो प्यार और वो लगन तो है ही। और किस्मत की का खेल है कि वो एक साथ मिल जाते हैं फिर से एक जगह पे आके, और तब से उनके बीच जो आप देख रहे हैं स्टोरी आगे चल रही है। और अभी जो आप मोमेंट शूट कर रहे हैं यहाँ पे, वो पोस्ट लीप के मोमेंट्स हैं, थोड़े हैप्पी मोमेंट्स हैं, जो उनकी बहुत सारा वो सैड मोमेंट्स चल रहे हैं अभी लाइफ में, बट देखते हैं क्या होता है। अब प्रीशा और रुद्र के टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ा जाए भाई। ये दोनों जो अलग अलग राह पर चल चुके हैं, उन्हें एक राह पर कैसे लाया जाए, ये काम कौन कर सकता है। हमें लगता है कि इन दोनों को कोई और नहीं बल्कि सारांश ही मिला सकता है। ये पहले भी ये सारांश की वजह से मिले थे और अब आगे भी देखना, ये कुछ ऐसा चमत्कार जरूर होगा जिसकी वजह से ये दोनों दोबारा मिलेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।